पॉइंट आता है कि जब भी आप घर बनाते हो और शेड कार्ड से लैमिनेट सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद जो उसकी अपीयरेंस है, जो उसके बाद उसकी लुक है, कि जो ये वाली जो लैमिनेट है, अगर आप इसको यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको इसका पैटर्न या रेशा दिखाई ही नहीं देखा, आपको दूसरा जॉइंट लगाना ही पड़ता है, लेकिन विनियर के ऊपर पॉलिश की जाती है। तो इसमें आपकी एक अच्छी बात ये होती है, ड्रॉप बना रहे हो और आपको कुछ लाइट कलर रखना है तो वहाँ पर आप इसमें लगा सकते हो। लैमिनेट को सेलेक्ट कैसे करें, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट करें और लैमिनेट्स क्या है, जिसे आप माइका भी कहते हो, लैमिनेट्स विनियर से कैसे बेटर हैं, या विनियर लैमिनेट से कैसे बेटर हैं, या लैमिनेट की कौन सी फिनिश आपको कहाँ यूज़ करनी चाहिए, वार्डरोब पे कौन सी फिनिश यूज़ करनी चाहिए, बेड में कौन सी फिनिश यूज़ करनी चाहिए, और आपको लैमिनेट सेलेक्ट कैसे करनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है लैमिनेट को सेलेक्ट करना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदित और आप देख रहे हो आशियाना इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर का मार्केट सर्वे एपिसोड 7, और आज मैं आपको लेकर आया हूँ श्री श्याम लैमिनेट्स में, और आज मैं आपकी सारी की सारी लैमिनेट से रिलेटेड सारी की सारी कन्फ्यूज़न सोल्व कर दूंगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मेरी हर वीडियो के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उसमें मुझे बहुत सारे सवाल पूछे थे लैमिनेट्स के बारे में, और मैंने बोला भी था कि मैं लैमिनेट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो ये वही वीडियो है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक एक लैमिनेट्स की क्वालिटी, एक एक लैमिनेट्स का प्राइस सेगमेंट और एक एक लैमिनेट्स का लगाने का सही तरीका। सबसे पहले बात करते हैं लैमिनेट और विनियर के बारे में, लैमिनेट क्या है और विनियर क्या है। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जिससे आप ये समझ जाओगे। तो ये जो शीट रखी है, ये है विनियर, और जो इसके ऊपर शीट रखी है, ये है लैमिनेट। तो सबसे पहला डिफरेंस तो मैं आपको इसमें बता ही देता हूँ कि जो थिकनेस है वो इसकी बहुत कम है, 0.8 और 1 mm और 0.7 mm में भी ये आता है, लेकिन जो लैमिनेट है, जो ये लैमिनेट्स हैं, ये थोड़ा सा आपको 3 mm, 4 mm, 6 mm, वैसे पेपर विनियर भी होता है, पेपर विनियर भी आपको मिल जाता है, तो ये जो विनियर है ये आपका 3 mm, 4 mm, 6 mm में भी आता है। अब विनियर क्या है, लैमिनेट क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो विनियर है, विनियर के ऊपर जो आप ये देख रहे हो, ये एक तरह से अगर मैं आपको देसी लैंग्वेज में बताऊँ तो पेड़ के ऊपर की जो छाल होती है उसको निकाल के एक नीचे आपको 6 mm या 5 mm के ऊपर, प्लाई के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया जाता है कोर के ऊपर। उसके बाद ये इसकी कोर है और ये इसका ऊपर का विनियर है, इसके ऊपर पॉलिश होती है एंड देन ये आपको रेडीमेड मिलता है। तो एक इसका डिफरेंस है वो यही है कि ये आपको रेडी टू यूज़ मिलता है, ये आपका पॉलिश होता है। अब जो लैमिनेट्स हैं, जो आप देखोगे जो लैमिनेट की शीट आती है, ये 8x4 में आती है, मतलब 8 फिट बाय 4 फिट, ऐसे ही विनियर की शीट भी 8x4 में आती है, लेकिन लैमिनेट की जो लिमिटेशंस है, इसके बाद आपको दूसरा जॉइंट लगाना ही पड़ता है, लेकिन विनियर के ऊपर पॉलिश की जाती है। तो इसमें आपकी एक अच्छी बात ये होती है कि जैसे आपने मेरी पुराने प्रोजेक्ट स्टोरीज में भी देखा होगा कि जब हम इसको लगाते हैं तो इसकी कटिंग करके दूसरा पार्ट लगाऊंगा तो पॉलिश बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और आपको जॉइंट नहीं दिखाई देगा, इसके अंदर आपको जॉइंट नज़र आ सकता है। अगर आपने प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, ताकि आपको ये चीज़ों को देख पाओ। तो जो विनियर है, विनियर कॉस्टिंग में भी थोड़ा विनियर एक्सपेंसिव होता है, और प्राइस सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ तो लैमिनेट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही कम आपको मिलता है, क्योंकि जो ये वाली जो शीट है ये आपको मिलेगी पूरी की पूरी 8x4 की 700-800 रुपये पर शीट, और ये जो विनियर है, देखो जो मैं कह रहा हूँ पर शीट मतलब पूरी की पूरी शीट 32 फिट इसके अंदर स्क्वायर फिट इसके अंदर सरफेस एरिया निकलता है, और ये जो मिलता है ये मिलता है आपको पर स्क्वायर फिट 80 या 90 रुपये पर स्क्वायर फिट शुरू हो जाता है, और ये भी 8x4 की शीट मिलती है, तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद इसके ऊपर पॉलिशिंग जो होती है वो भी 200-250 रुपये PU पॉलिश अगर आप कराओगे तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टिंग। तो वही बात है कि जो लैमिनेट्स है वो थोड़ा सा प्राइस सेगमेंट में कम है, और विनियर जो है वो प्राइस सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा है। लिमिटेशंस भी मैंने बता दी हैं, ऐसा नहीं है कि ड्यूरेबिलिटी इसकी कम है या इसकी ज़्यादा है, लेकिन हालांकि विनियर को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि इसको बार बार आपको इसे पॉलिशिंग करानी पड़ेगी। बार बार कहने का मतलब है कि 4-5 साल के बाद या आपको इसमें पॉलिश करा सकते हो, लेकिन इसके ये रेडी टू यूज़ है, एज इट इज़ ही आपकी इसकी फिनिश रहेगी। हालांकि आप इसमें हल्का बहुत कलर चेंज कर सकते हो बाद में, जो इसके ऊपर आप नहीं कर सकते, फिर भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत से डिज़ाइनर्स ऐसा कर भी रहे हैं, हम लैमिनेट के ऊपर भी पॉलिश करते हैं, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है किसी भी पॉलिशिंग का, वो मैंने आपको लास्ट अपने प्रोजेक्ट स्टोरी में दिखाया था, प्रोजेक्ट स्टोरी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा मैं कौन से वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन विनियर वर्सेस लैमिनेट, मैंने शायद इसमें आपको रेट का भी कन्फ्यूजन सोल्व कर दी है और कहाँ लगाए कैसे लगाए वो भी कर दिए। इन केस फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसके ऊपर फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो अब बात करते हैं कि सिलेक्शन आपका कैसे करना चाहिए लैमिनेट्स का। अब बात करते हैं कि लैमिनेट को सिलेक्ट कैसे करें, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन कैसे सिलेक्ट करें, और आप जो लैमिनेट सेलेक्ट करते हो तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कोई भी लैमिनेट जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कैटलॉग होती है, जिस भी ब्रांड का हम लैमिनेट सेलेक्ट करते हैं, और इसके अंदर ना आपको बहुत सारे शेड्स मिलते हैं, इसको शेड कार्ड भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो थोड़ी सी आपको भी अजीब लगेगी, लेकिन वो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है,
कि जब भी हम लैमिनेटर सेलेक्ट करते हैं ना, तो कभी भी कैटलॉग से लैमिनेटर सेलेक्ट ना करें, क्योंकि जो लैमिनेट आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे ना, तो वो एक्चुअल में आपको थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि जो ये वाली जो लैमिनेट है, अगर आप इसको यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको इसका पैटर्न या रेशा दिखाई ही नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या पैटर्न है, इसके अंदर क्या रेशा है, रेशा मतलब कि इसके ऊपर जो टेक्स्चर है किस तरीके का है। तो ये सब देखने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कभी भी आपको लैमिनेट अगर सेलेक्ट करना है तो आप सीधा जाके गोडाउन से ही सिलेक्ट करें, जहां आप पूरे शीट देख सकते हो। अब मैं आपको ये मिथ आपका है ये भी क्लियर कर देता हूं। अब ये जो शीट है ये मेरे सामने यहां पर रखी है, अभी आप ये शीट देखोगे और अगर आप ये वाली शीट दोगे तो ये यही वाली शीट है जो आपको दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस तरह का टेक्स्चर आपको यहाँ पे छोटे पार्ट पे दिख रहा है, अब आप इसको पूरा बड़ा पार्ट देखोगे तो आपको पूरा टेक्स्चर समझ में आएगा कि इसके ऊपर किस तरह का पैटर्न है, किस तरह का रेशा है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, किस तरीके का है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी लैमिनेटर सेलेक्ट करो तो वो आप गोडाउन में आके पूरी शीट को सेलेक्ट करो। अब पूरी शीट को सेलेक्ट करने के लिए आपको वाइड एंगल शॉट्स दिखाई दे रहे होंगे जिसमें आपको पूरी शीट दिखाई दे रही होगी। दूसरा एक और इसमें आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आप लैमिनेट सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर ना बहुत सारी फिनिशेज होती हैं, क्योंकि लैमिनेट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट तरह की फिनिशेज होती हैं। विनियर के अंदर आप जैसे पॉलिश कराते हो हाई ग्लोस, मैट, सेमी मैट, इसी तरह लैमिनेट में रेडीमेड फिनिशेज आती हैं। जैसे जो भी आपने फिनिश देखी है ये है एसएफ फिनिश, मतलब स्वेड फिनिश, मतलब ये हल्की सी मैट फिनिश होती है। इसके बाद इसमें आती है मैट फिनिश, उसके बाद आती है इसमें हाई ग्लोस फिनिश। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया है ये दिखाया मैंने आपको स्वेड फिनिश, और स्वेड फिनिश कहाँ लगाएं तो कोशिश करें जितना भी आप वुडन टेक्सचर लो वहाँ पे स्वेड फिनिश लगाओ। और अगर आपकी जो पीछे का जो बेस है अगर वो थोड़ा सा अनइवन है तो स्वेड फिनिश में क्या होता है कि वहाँ पर आपको दबक नहीं दिखाई देती। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, बोर्ड प्लाई की वीडियोस में दिखाया था कि किस तरह से बॉडी क्वालिटी होती है उसके अंदर डबक दिखाई देती है, मतलब अप एंड डाउन दिखाई देते हैं, तो उसमें मैट फिनिश के अंदर वो अप एंड डाउन आपको नहीं दिखाई देते हैं, हाई ग्लोस में वो दिखाई देते हैं। मैंने उसमें भी आपको सॉल्यूशन बताया था, अगर आपको वीडियो देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको कभी भी लैमिनेट सेलेक्ट करना तो गोडाउन से खरीदें, तो उसका एक और रीज़न आपको बताता हूँ। जैसे आपने ये वाला लैमिनेट सेलेक्ट किया, इसके अंदर आपको वर्टिकल पैटर्न दिख रहा है, वर्टिकल मतलब कि जो इसका जो पैटर्न है वो इस तरह से चलता हुआ दिखता है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल पैटर्न भी आता है, हालांकि वो थोड़ा सा दूसरा है, लेकिन आप अगर देखोगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पैटर्न है, इसके अंदर आपको रेशा इस तरीके से चलता हुआ दिखाई देगा और इसके अंदर आपको वर्टिकल दिखाई देगा। तो यहाँ एक ऐसा एक पॉइंट आता है कि जब भी आप घर बनाते हो और शेड कार्ड से लैमिनेट सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद जो उसकी अपीयरेंस है, जो उसके बाद उसकी लुक है वो डिफरेंट हो जाती है। तो उसका रीज़न ही यही है कि आप जब भी लैमिनेट सेलेक्ट करते हो तो आप एक छोटे पैटर्न सेलेक्ट करते हो। तो आपको लैमिनेट कहाँ से सेलेक्ट करना चाहिए, डायरेक्ट ही आप गोडाउन में आकर सेलेक्ट कर सकते हो। प्राइस सेगमेंट तो आपको कम मिलेगा, लेकिन साथ में आप देख सकते हो कि किस तरह की शीट्स भी आपको मिल रही है। मान लो आपने पूरा इसमें पूरा पैटर्न आपको दिखाई देगा, यही शीट जैसे आपको दिख रही है तो इसके ऊपर पूरा टेक्सचर बना हुआ है। इसी तरीके से मान लो आपने कोई शीट इसके अंदर सेलेक्ट करी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वार्डरोब्स के अंदर जो हम शीट लगाते हैं फैब्रिक वाला, इसके अंदर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यही वाली शीट अगर आपको देखनी है तो इस तरीके से आपको दिखाई देगी, तो इसका बिल्कुल ही आपको डिफरेंट दिखाई देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कैटलॉग से आप इस तरह से शीटें सेलेक्ट नहीं कर सकते जिस तरह से आप गोडाउन में आके शीट सेलेक्ट कर सकते हो। गोडाउन का एड्रेस और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप यहाँ आओ और शीटें सेलेक्ट कर सके, अपना अपना घर बना सकूँ। इसके बावजूद भी जिस तरह की शीटें हैं, मैं आपको और शीटें दिखाता हूँ, इसमें मैं आपको हाई ग्लोस भी दिखाता हूँ कि हाई ग्लोस शीटें किस तरह से आती हैं। ये 8x4 की शीटें होती हैं। अब आपको मैं डिफरेंट शीट दिखा रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट। अगर आप किड्स रूम बना रहे हो तो वहाँ पर आप इस तरह की डिफरेंट शीट यूज़ कर सकते हो। आप अब ये शीट इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, किस तरह की शीट है पूरी वो शीट देख सकते हो, और यहाँ से शीट सेलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हो। जो आपका कलर स्कीम पैटर्न है वो आपका एक्यूरेट ही मिलता है, मतलब जब भी आप फोल्डर में शीट सेलेक्ट करते हो तो यही होता है कि वो उस तरीके से नहीं मिलता। आप 100% अचीव कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट थीम को अगर आप डायरेक्ट पूरी शीट देखोगे तो, और शायद आपकी कन्फ्यूज़न ये क्लियर हो गई होगी। तो ये जो फिनिश है ये है आपकी हाई ग्लोस फिनिश जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इस तरीके से मेरे पीछे आप जितनी भी शीटें देखोगे, तो यहाँ पर अलग अलग शीटें देखोगे, तो मैं आपको सारी शीटें तो नहीं दिखा सकता बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ हिंट दे सकता हूँ कि आपको किस तरह से कलर शीटें मिलती हैं। बात करते हैं सॉलिड प्लेन कलर की, और सॉलिड प्लेन जो कलर होते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। और जो सॉलिड प्लेन कलर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो कैटलॉग से ही, उसके लिए जरूरी नहीं है आपको पूरी शीट देखनी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो सॉलिड प्लेन कलर की सबसे पहले बात करें तो आपके दिमाग में सबसे पहले लैमिनेट में आता ही वाइट हाई ग्लोस है,
तो ये व्हाइट हाई ग्लोज की आपको शीट दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा हाई ग्लोज फिनिश आपको इसमें मिल रही है। जब हम बात करते हैं किचन की या कुछ ऐसे कैबिनेट्स की जहाँ पे हमें सोलिड प्लेन कलर देना है, तो वहाँ पे हम व्हाइट कलर इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, ये हाई ग्लोज में मिलता है। और जो आपका पीयू की फिनिश होती है एज इट इज़ तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पीयू के अंदर पॉलिएस्टर फिनिश भी होती है और तरह की फिनिश भी होती है, लेकिन आपको कुछ हद तक ये आपके पीयू हाई ग्लोज फिनिश से मैच करता है। और आपका जो ये शीट का जो प्राइस सेगमेंट है इसकी मैं बात करूँ तो ये प्राइस सेगमेंट भी, तो ये मान के चलो कि ये शीट भी आपको 800-900 रुपये में मिल जाएगी। इससे ऊपर भी आपको व्हाइट हाई ग्लोज शीटें मिलती है फ्रोस्टी व्हाइट कलर में, तो वो जो शीट होती है उसका प्राइस सेगमेंट भी आपका 1200 तक में जाता है। उसमें जो अब आप कहोगे कि प्राइस सेगमेंट में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क इसके थिकनेस का है। जो ये शीट है ये आपकी 0.8 है, वो आपकी शीट 1 mm मिलेगी। आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, जिस तरीके से ये वाली शीट है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है, ये भी हाई ग्लोस में ही है, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, आपको वाइट कलर दिख रहा होगा। तो जो ये वाली जो शीट है ये आपको देखा होगा, जो अभी मैंने आपको हाई ग्लोस शीट दिखाई थी वो लैमिनेटेड नहीं थी, और ये वाली शीट पूरी लैमिनेटेड आती है, ताकि लगाते टाइम पे इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो एक लैमिनेशन है, लगाते टाइम पे इसके ऊपर स्क्रैचेस ना आए। जो इसके ऊपर जो इसकी थिकनेस है वो भी 1 mm की थिकनेस है, और ये लैमिनेशन इसके ऊपर होती है, लगाने के बाद आप इसको हटा सकते हो, काम करते टाइम पे जो स्क्रैचेस हैं उससे ये बच सकता है। और प्राइस अकाउंट की बात करूँ तो ये प्राइस अकाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1 mm में चला जाता है, तो ये आपकी 900 रुपये से शुरू होकर 1200-1300 रुपये पर शीट तक पहुँच जाती है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि सॉलिड प्लेन कलर्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा फोल्डर के अंदर। तो इसके अंदर कोई पैटर्न रेशा नहीं होता, इसके अंदर आपको सारी शीटें दिख जाती हैं। ये मैट फिनिश भी है, ये हाई ग्लोस है, और इसको स्पार्कल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की शीटें प्लेन में भी इसमें ऐसा ही रहेगा। तो जितनी भी शीटें होती हैं वो सारी की सारी एक लैमिनेट का पीस ही होता है। मान लो जो ये सैंपल इसके अंदर लगा हुआ है ये इस बड़ी शीट का एक छोटा सा पार्ट ही है, तो इसलिए मैं कहता हूँ जो टेक्सचर्ड है जिसके ऊपर पैटर्न बने हुए हैं बड़े, उनको आप ज़रूरी है कि देखो पूरा, लेकिन इन शीटों को आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये शीटें हम ज़्यादातर किचन में यूज़ करते हैं या वॉशरूम वैनिटीज़ में यूज़ करते हैं, या किसी कलर कंट्रास्ट बनाने के लिए टीक के लिए साथ में, या किसी वुडन या विनियर के साथ में वाइट कलर देने के लिए हम इसमें, जैसे हम फ्रोस्ट वाइट देते हैं तो उसमें भी हम वाइट कलर यूज़ करते हैं। तो ये था आज का सारा वीडियो लैमिनेट्स के ऊपर। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तो डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन मिल जाएगी, आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ आ सकते हो एंड आप कोई भी सीट ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ मिल सके। मेरे चैनल के ऊपर प्रोजेक्ट स्टोरीज भी होती है, जहाँ मैं पूरे घर का इंटीरियर भी दिखाता हूँ, हम घर का इंटीरियर किस तरह करते हैं। अगर आपको भी करवाना है अपने घर का इंटीरियर तो आप प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आप देख सकते हो मेरे प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड्स, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।